मीनू फैमिली चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नमस्ते, राम राम जी। आज हम आपको हमारी अम्मा जी के हाथ का बनाया हुआ अचार उसके बारे में बताएंगे। अम्मा जी आज आंवले का अचार बनाएंगी। इसमें अम्मा जी क्या क्या पड़ता है? जीरा, कलौंजी, धनिया, सौंफ, मेथी, नुकसान नहीं देते, बहुत बढ़िया फायदे के, और नमक, स्वाद अनुसार, कड़ुआ तेल, इसको सबको भून के भूनना है, सबको भून पीस के मिला के भून के, और इसका दो साल तक ये चलेगा, दो साल तीन साल जब तक हमारी पसंद की चीज इसमें जो है खराब भून करके पीस लें, और उसके बाद जो है वो सारे मसाले जो मिला दें आंवला में, आंवले को उबाल के एक दो दिन भूख दिखा दें, और उसके बाद इसमें सारे मसाले मिलाने के बाद कड़वा तेल से इसको मिक्स कर दें। और अभी अम्मा जी कितने दिन चलेगा? दो साल। आगे हाथ का बनाया हुआ अचार चाहे वो आम का हो चाहे आंवले का हो ख़राब नहीं होता और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ये अभी पूरा अचार बन गया है, अचार ये बन चुका है अम्मा जी, और इसमें और कुछ डालना तो नहीं पड़ेगा? तो आप सभी ने देखा कि अम्मा ने कैसे अचार बना रही हैं, और अब इसको किसी जार में रखना है जिससे कि इसमें मॉइस्चर ना जाए, और मॉइस्चर जाने से ये अचार ख़राब हो सकता है, इसलिए बंद जार में इसको रखना पड़ेगा, नमी ना जाए। आगे हम आपको बुकनू कैसे बनती है, बुकनू के बारे में आपको दिखाएंगे, पूरे मसाले और सब कुछ कैसे भून के बनाते हैं। और बुकनू बहुत ही पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, अम्मा जी बनाएंगी, और बनाने के बाद आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। तो आप सभी ने ये देखा कि अम्मा ने आंवले का अचार कैसे बनाया। इसमें अभी कुछ तेल की कमी है आंवले के अचार में, तो आंवले के अचार में कड़वा तेल और मिलाया जाएगा, ये देखिए, जिससे कि ये ख़राब ना हो और स्वादिष्ट बने। स्वादिष्ट तो है ही, बहुत सारी इसमें मसाले पड़े हैं जिससे कि पेट को बहुत ही फायदा करेगा, पूरा अचार अम्मा जी ने मिक्स कर दिया है। अब खाने के समय या ऐसे भी आप इसको ले सकते हैं, ये बहुत ही फायदेमंद है। आंवले में आप जानते हैं विटामिन सी पाया जाता है। हमारे प्यारे भाई बहनों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। कृपया आपसे निवेदन है कि आंवले का अचार जो ये वीडियो हम डाल रहे हैं इसको देखें पूरा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। हमारे नए सर देखने वाले भाई बहन वो भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सभी को धन्यवाद, आप सभी सुरक्षित रहें।